सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वगैरह कवर कर लिया, उनके ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड हमने कवर कर लिया। ठीक है, हमने आपको स्पेक्ट्रम बताया, हमने स्पेक्ट्रम पे डिस्कशन किया, उसके बाद बोर्स मॉडल कैसे डिपेंड करता है उन चीज़ों पे डिस्कशन किया हमने। अब प्यारे बच्चों, जो हमें जो नेक्स्ट काम करना है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि कैसे बोर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन किया था। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से समझिएगा बड़े यहाँ पे। ठीक है, मेन थिंग क्या होता है यहाँ पे कि कुछ कल हमने जो तीन फॉर्मूले किए थे, राइट, तीन फॉर्मूले, Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में था। ठीक है, उसके बाद था Vn इक्वल टू 2.1 इंटू 10 पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकंड था। और तीसरा फॉर्मूला जो था मेरा, En इज इक्वल टू 13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, राइट। हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस किए थे और सॉरी डेरिवेशन किया था इनके ऊपर। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड रेशियो ऑफ, अच्छा सॉरी, बिफोर क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैं दो बातें कुछ एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, वो बात क्या है बेटा, अगर आपको कुछ एक बात आपको ये याद रखनी है कि फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर तो बेटा उसका वन रहेगा। तो ई1 का वैल्यू, मतलब उसके फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू कितनी होगी, जेड मतलब वन का स्क्वायर और एन कितना हो जाएगा, वन, तो -13.6। ठीक है, ई2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड वन वन बाय टू स्क्वायर मतलब फोर, -13.6 और डिवाइडेड बाय फोर, ये अप्रोक्सीमेटली आता है -1.10.4 समथिंग कुछ ये वैल्यू आती है, जस्ट वेट, हाँ सॉरी -3.4। E3 की वैल्यू जो आती है -1.51, E4 की वैल्यू जो आती है -0.85 और E5 की जो वैल्यू आती है -0.54। तो ये वैल्यू आप इसलिए याद रखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आसानी हो, अगर आप डिवीजन करके निकाल सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इनको याद रखेंगे बेटा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट नॉट फर्स्ट लेट्स से सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। सपोज करो ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो उसने क्या पूछा, रेशियो आपको निकालना है रेडियस का सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, बट सेकंड ऑर्बिट किसका बेटा, हाइड्रोजन एटम का, और थर्ड ऑर्बिट किसका बेटा, हीलियम एटम का। तो अगर मैं बात करूं R2 बाय R3, ठीक है, तो ऊपर होगा 0.529 इनटू फॉर्मूला क्या, एन स्क्वायर बाय जेड मतलब 4 बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.529 इनटू फॉर्मूला क्या आपका, हाँ देखिए क्या, एन स्क्वायर बाय जेड अगेन, तो एन स्क्वायर आपका क्या हो गया 9 और जेड कितना होगा, जल्दी बोलो 2। यहाँ तक बात समझ में आया बच्चों, 0.529 0.529 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बाय 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बाय 9 मतलब 8 बाय 9 का आपका रेशियो आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन रेशियो में दिया हो तो सॉल्व इन रेशियो ओनली, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन सेकंड है मेरा कि फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको वेलोसिटी निकालना है इलेक्ट्रॉन का सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में, किस वेलोसिटी से वो घूमता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं V2 बाय V3, फॉर्मूला क्या था, 2.1 इंटू 10 का पावर 6 इंटू जेड बाय एन, जेड तो वन रहेगा, 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 10 का पावर 6 इंटू जेड बाय एन, अगेन मेरा क्या होगा, 1 बाय 3। तो अगर ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय 2 मतलब
थ्री बाय टू में इसको लिख सकता हूँ। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड पर आपके बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट टोटल, अच्छा फाइंड आउट रेशियो, जैसे रेशियो फाइंड आउट रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। आपको क्या निकालना बेटा, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का रेशियो निकालना है। क्या निकालना, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का रेशियो। चलो इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ लेते हैं, आल्सो फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट। मतलब उस अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो घूमेगा, मतलब सॉरी नॉट घूमेगा, उनके पास कितनी एनर्जी होगी। तो अगर बेटा मैं बात करूं E2 की, लेट्स से E3 की, E3 की एनर्जी, अच्छा हाइड्रोजन करते फार बेटर रहेगा ज्यादा क्योंकि हमने अभी निकाला भी है। E3 क्या होगा आपका -1.5 पर, और E4 क्या होगा आपका, E4 अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा -0.85, ठीक है बेटा। अब ये तो इनका ये एनर्जी हमने पहले भी निकाली हुई है, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, फॉर्मूला ये z²/n²-13.6 से मल्टीप्लाई करिए, आपको E3 और E4 का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, और डायरेक्ट आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि E3/E4 का आप रेशियो निकाल लोगे, E3/E4 का जो आपका रेशियो होगा -1.51/-0.85। तो मैं बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 2 times जा सकता है, अप्रोक्सीमेशन में 2 times जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन होता है, तो पहले बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। पोटेंशियल समझो, याद करिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन था, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, एंड टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, हाँ वेरी गुड। अगर आपको काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पता है तो टोटल एनर्जी इसका 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 2x ऑफ टोटल एनर्जी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ 2 × −1.51, और अगेन टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो -1.51। तो अगेन यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 2 × −0.85, अगेन काइनेटिक एनर्जी हमेशा इसके इक्वल होगा। तो आपको यहाँ तक कुछ बातें तो क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली बोर्स के मॉडल था, जिसमें मैंने आपको रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट निकालना सिखाया, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट निकालना सीखा, एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट निकालना सीखा, और उसके ऊपर हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा करेक्ट जो एक चीज रह गई है, जो काफी कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मुला भी पूछता है, ठीक है, तो दो नोट बना के मैं बता देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट होगा मतलब देखिए, यही नोट आपको नोट भी दिलाएंगे आगे जाके, ठीक है। सपोज करो इसका पहला पॉइंट होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कि आखिर कितना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करने में। तो देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मेरे लिए क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस सर्कुलर ऑर्बिट का क्या होगा, 2πrn, और वेलोसिटी कितना है, v, and this is your time period, very simple, हाँ। अब उसके बाद बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आप बेसिकली बस ये मेन फॉर्मूला देखिए, rn vn की वैल्यू आप पुट करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका 1 upon टाइम पीरियड होता है, मतलब vn upon 2πrn, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी का मेरा यूनिट क्या होता था, पर सेकंड, मतलब टाइम पीरियड उसके इनवर्स हुआ, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, तो 1/T मतलब मैं लिख सकता हूं vn ऊपर आ जाएगा, 2πrn नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ तक मैंने आपको बोर्ड्स में जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी सब मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बहुत ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको और फील आए इस टॉपिक का। हमारा है जो बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ एच स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, आखिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों हुआ, ठीक है, उसका मैं, ये किसने दिया था, बाय बोर्स, नील बोर्स नील बोर के द्वारा ये एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरा न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता था, उसके बाद क्या होते थे, मेरे ऑर्बिट होते थे, ठीक है। इसके एनर्जी E1, ये N1, ये N=2, N=3, N=4, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऑर्बिट होते थे। ये बात किसने बोली थी, रदरफोर्ड ने भी बोली थी और सेम बात बोर ने भी बोली थी, ठीक है। तो इनफाइनाइट ऑर्बिट थे, तो N1 का E1 एनर्जी, इसका E2 एनर्जी, इसका E3 एनर्जी हो जाएगा, इसका E4 एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और ये बात हम पहले से जानते हैं, जैसे जैसे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेरा एनर्जी भी इंक्रीज होगा, मतलब E1 शुड बी लेस देन E2, E3 उससे बड़ा होगा, E4 उससे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा E∞ पे, ठीक है। गौर तरफ की बात यह है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने, सपोज करो मेरे पास क्या, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उसने हाइड्रोजन गैस लिया था, हाइड्रोजन गैस को उसने सपोज करो या तो हीट दिया या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, या तो हीट दिया या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, मतलब बात को समझो, उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के एटम को एनर्जी प्रोवाइड करी, हाइड्रोजन गैस के एटम को क्या करी बेटा, उसने एनर्जी प्रोवाइड करी। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ऑब्वियसली बात है, जो जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो मेरा ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ग्राउंड स्टेट मतलब N1, अब ये भी समझ लो एक बात को, N=1 को हमेशा हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। N=2 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। N=3 को हम बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, N=4 को हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। इसका मतलब जो होगा, मेरा जो लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिट होगा वो सिर्फ N=1 होगा बेटा, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं मेरे एक्साइटेड स्टेट, मतलब हायर एनर्जी के माने, हायर एनर्जी ऑर्बिट मानी जाती है, ठीक है। अब समझ, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना कि जैसे ही आपने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दिया, जैसे ही आपने हाइड्रोजन एटम का एनर्जी दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से सीधा कहां जंप मारेगा, एक्साइटेड स्टेट में जंप मारेगा, मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप मारेगा, और कुछ सेकंड के बाद, ठीक है, और कुछ सेकंड के बाद वो यहां से वापस भी आएगा। अब दो बातें, एनर्जी आपने दिया, उसने एनर्जी किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया, उसने एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एक्सेप्ट किया, उसने जो एनर्जी किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसका मतलब जब यहां से यहां आएगा तो एनर्जी रिलीज भी करेगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो रिलीज करेगा, तो हम जो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एनर्जी, जो एनर्जी देने के बाद हाइड्रोजन गैस को, याद करिए उसने ब्लूइश बीम निकाला था, अरे वही तो ये ब्लूइश बीम है, एमिशन, इसे रेडिएशन, जो एमिशन करने पर जो रेडिएशन निकली वही उसकी ब्लूइश बीम है, बात को समझना आप ध्यान से। तो कहने का मतलब सिंपल सा बात था कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, मतलब हाइड्रोजन को एनर्जी दी, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे था वो सीधे जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, एनर्जी उसने ली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, और उसने यहां से ग्राउंड, जब एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जाएगा, तो
तो भी एनर्जी वो उतना ही, जितना अमाउंट का एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उतने ही अमाउंट का एनर्जी वो रिलीज भी करेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब एनर्जी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही एक्सेप्ट किया था और रिलीज भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही रिलीज करेगा बेटा, और अदर और दूसरा कोई मीडियम नहीं होता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो डोंट वरी, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा और लिखाऊंगा भी ताकि आपको कुछ रहना नहीं चाहिए। तो यहां तक बात आपको समझ में? इसलिए हमें ब्लूइश बीम दिखता है हाइड्रोजन गैस का जब हम एनर्जी देते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जब आप आयरन को गर्म करते हो तो देखते हो आप कुछ देर बाद वो क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। क्या होता है? रेड कलर का हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आयरन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां चले गए होंगे, हायर ऑर्बिट पे, हायर एनर्जी लेवल पे, और जैसे ही वो वहां से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो रेड कलर का मतलब उन्होंने क्या किया, एनर्जी रिलीज करी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में करी। अब मान लो जिस फॉर्म आप मतलब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करी उसका वेवलेंथ रेड के वेवलेंथ के बराबर, इसलिए हमें रेड कलर दिखता है। और आपने हीट दिया तो और एनर्जी अब्सॉर्ब करके और हायर एनर्जी और हायर ऑर्बिट पे जाएगा, तो जब हायर ऑर्बिट पे जाएगा तो और हाई वेवलेंथ की एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, सॉरी लो वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज करेगा या हाई फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की हाई फ्रीक्वेंसी की वेव रिलीज करेगा। इसलिए कभी हमें जब आप बहुत ज्यादा हीट कर देते हो आयरन को वो वायलेट कलर भी दिखता है। तो यहाँ तक पहले बच्चों आपको समझ में आया कि इसका रीजन क्या है, आखिर ऐसा ब्लूइश बीम उसको दिखाई क्यों दे रहा था। ठीक है, हाँ, अब डिसकंटिन्यूटी का अगर आप जो सोच रहे हो वो भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, बट फिलहाल ये तो पॉइंट समझ में आया कि एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले लो ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर ऑर्बिट पे जाता है, बट हायर ऑर्बिट पे क्यों नहीं रहता, क्योंकि हायर एनर्जी का मतलब अनस्टेबिलिटी होती है और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को हमेशा स्टेबल रखना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल समझाता है, जब आप यंग रहते हो और मैंने आपको बोला कि भाई आप एक काम करो 15 किलोमीटर साइकिल चला, तो आप बोलेंगे तुरंत चला दो, क्यों, आपके पास एनर्जी है। लेकिन क्या आपके पास स्टेबिलिटी है? ह्यूमन लाइफ में स्टेबिलिटी का मतलब पैसा होता है, पैसा, इकोनॉमिकली हम मानते हैं कि हम स्टेबल हैं, तभी हम स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या 15 साल की उम्र पे आपके पास पैसे रहते हैं? बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही बोलूं 40 के लाइक 25 या 30 की उम्र पे जब आप हो जाते हैं, तब मैं आपको बोलूं 15 किलोमीटर साइकिल चला दो, तब शायद आप नहीं चला पाओगे। लेकिन अगर मैं आप बोलूंगा यार एटलीस्ट 20,000 दे दो, तो आप मे भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तब आप स्टेबल हो। तो सेम इस तरीके से होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे चला गया तो जरूरी नहीं वो वहां पे रहेगा, क्योंकि हाई एनर्जी का मतलब लो स्टेबल होता था। हर इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो फिर से ग्राउंड स्टेट में जाएगा, और जैसे वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रिलीज करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैकेट्स को फॉर्म में रिलीज करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें वेवलेंथ दिखती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें कलर दिखता है, या हो सकता है वो विजिबल रीजन में भी नहीं हो, हाई फ्रीक्वेंसी के रहे तो वो मेरे हिसाब से यूवी रेज में दे सकता है, एमिट कर सकता है, इंफ्रारेड भी एमिट कर सकता है, कुछ भी एमिट कर सकता है, बट मैंने आपको एक एग्जांपल तौर पे समझाने के लिए बोला था। ठीक है, तो मैं इसके पॉइंट्स लिख देता हूं कि व्हेनेवर एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट जंप्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, higher energy orbit that is excited state, and after that it returns back to the ground state, it returns back to the ground state by releasing energy in form of electromagnetic
by releasing energy in form of electromagnetic waves. This is also known as electronic transition. इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। एंड एमिटेड एनर्जी गिव्स ब्लूइश बीम। अब समझ में आया, जो बीम हमें मिल रहा था ब्लूइश कलर का, जो बीम मिल रहा था वो कौन सी एनर्जी थी? एमिटेड मतलब जो एनर्जी वो रिलीज करेगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाने पर, ठीक है। बात को समझना है यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब हो गया बस हायर से लोअर लेवल पे जो जाने को, आने और जाना जो होता है वही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है बेटा, ठीक है। अब देखो बात को समझो, मैंने सपोज को क्या किया यहाँ पे, आपको कहा कि जैसे ये मेरा एन इक्वल टू वन है और एन इक्वल टू टू है, इसकी सपोज करो एनर्जी मैंने ई एन वन माना और इसकी सपोज करो एनर्जी ई एन टू माना। मुझे एन वन को एन टू पे पहुंचाना है, मुझे एन वन को एन टू पे पहुंचाना है। लेट एन टू शुड बी ग्रेटर देन एन वन, कहने का मतलब एन टू शुड बी ग्रेटर देन एन वन, इसका मतलब ये एन वन मेरे लिए ग्राउंड स्टेट हुआ या लोअर एनर्जी स्टेट हुआ, एन टू मेरे लिए क्या हुआ हायर एनर्जी स्टेट हुआ। तो एन वन से एन टू पहुंचाने के लिए आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जल्दी बोलिए। हाँ वेरी गुड, देखो इसकी अपनी एनर्जी, इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी और इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है। बोर ने यही कहा था ना, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे घूमेगा तो वो इसी एनर्जी के साथ ही घूमेगा और इस ऑर्बिट पे घूमेगा और इसी एनर्जी के साथ घूमेगा, तो राइट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो कम से कम आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहां से यहां पहुंचाने के लिए। अब दूसरी बात क्या है, अगर ये एनर्जी से कम रही, अगर एनर्जी से कम रही तो ये यहां जाएगा ही नहीं, ये अपने ही स्टेट में रहेगा ग्राउंड स्टेट में। क्यों? एनर्जी बीच में लाई नहीं कर सकता है, एनर्जी जो है बेटा वो बीच में लाई नहीं कर सकता। यही इसे यही तो बोस का कहना था कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, और उस क्वांटाइजेशन वजह से हर चीज उसने फिक्स मानी कि इस ऑर्बिट के रेडियस में फिक्स होगा, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से घूमेगा वो वेलोसिटी भी फिक्स रहेगा और एनर्जी भी फिक्स रहेगी, यही तो बोस कहता था। तो यहां तक बात आपको समझ में आई। अगर मैं बात करूं ई एन टू की एनर्जी ऑफ हाईएस्ट स्टेट का क्या होगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन टू स्क्वायर, और ई एन वन की एनर्जी क्या होगी, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन वन स्क्वायर, और ई एन टू माइनस ई एन वन कितना हो जाएगा मेरा, अगर इनमें सब डिफरेंस लू तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन टू स्क्वायर माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन वन स्क्वायर, तो डेल्टा ई जो हो जाएगा, इसी को मैं चेंज इन एनर्जी बोल सकता हूं। तो 13.6 कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 बाय एन वन स्क्वायर बाय 1 बाय एन टू स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ई का। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला क्या बना आपका डेल्टा ई का। प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आया, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रहेगा, किसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखो प्यारे बच्चों बात समझो, तो ये कल आपने एनर्जी डिफरेंस बताया, तो क्या मैं डेल्टा ई को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एस सी बाय लैम्डा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ऑब्वियस बात है जो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा वो पैकेट्स के फॉर्म में रहेगी, मतलब उस पैकेट की एनर्जी किसके बराबर रहेगी, डेल्टा ई के बराबर रहेगी, और यही डेल्टा ई को अभी हमने किसके बराबर प्रूफ किया, 13.6 जेड स्क्वायर बाय 1 by n1 square by 1 by n2 square। अब समझो, क्या मैं 1 by lambda को लिख सकता हूँ 13.6 z square by hc, नीचे चला जाएगा, h का value 6.6 10 raised to minus 34 और c के value होगे 3 10 का power 8, ठीक है, into 1 by n1 square by 1 by n2 square, तो 1 by lambda या वेव नंबर, ये जो होता है मेरा एक्सेप्ट जेड स्क्वायर, बाकी सारे के सारे बेटा मेरे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है ना, तो एक काम करो मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.6 10 रे टू -19, तो ये जूल पर एटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल पर एटम। तो
तो ये जो ये फोरे की वैल्यू को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, RH into Z square 1 by N1 square minus 1 by N2 square. तो यहां तक आपको समझ में आया बेटा? ये रिडबर्ग क्या होता है? रिडबर्ग एक कांस्टेंट है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109678, यह होता है अप्रोक्सीमेटली आप 10^7 मीटर इनवर्स मान सकते हो इसकी वैल्यू. यहां तक आपको बात समझ में आए? तो दिस इज योर, अब ये है क्या मेरा इतने वेवलेंथ की एनर्जी वो उसको चाहिए यहां से यहां जाने के लिए, इतनी वेवलेंथ की उसके पास रेडिएशन होना चाहिए, उसके पास वेव्स आनी चाहिए ताकि वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल. और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये कई बार जेई मेंस में मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, ठीक है बेटा? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, यहाँ तक तो आपको स्क्वायर बच्चों सबको समझ में आ गया होगा. एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे, सपोज करो ये यहाँ पे है, ठीक है, n इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 2 है. पहले बच्चों समझो, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 पे था तो कुछ कुछ पैकेट्स को एक्सेप्ट करके या कुछ एनर्जी का एक्सेप्ट करके वो कहां चला गया, सपोज करो 3 पे चला गया. कहां चला गया? 3 पे, क्योंकि 3 एक हायर एनर्जी ऑर्बिट है या हायर एक्साइटेड स्टेट है, तो वो वहां पे रह नहीं सकता. तो इसका मतलब देखो, जाने का तो तरीका सिर्फ एक है, लेकिन वापस आने का तरीका उसके पास कितना है? या तो 3 से डायरेक्ट 1 पे आएगा, या तो 3 से 2 पे आएगा, या तो फिर 1 पे आएगा. बात को समझना, मतलब उसके पास टोटल तरीके कितने हुए? 3 ही तरीके हुए. बात को समझना, ठीक है? मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है. क्योंकि अब आप ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रो जो मुझे ब्लूइश बीम से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा. नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता उस बीम से जो मुझे स्पेक्ट्रम मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एवरी पॉसिबल वेवलेंथ नहीं होती है. मतलब यू विल नॉट गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ एवरी पॉसिबल वेवलेंथ. इट्स नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि देखो यहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ ही जंप है, इनफाइनाइट जंप नहीं है 3 से 1 के बीच में जो आपको कंटीन्यूअस मिलेगा. जब लिमिटेड जंप होगा तभी आपको क्या मिलेगा? डिसकंटीन्यूअस फॉर्म मिलेगा. क्या मिलेगा? डिसकंटीन्यूअस फॉर्म नहीं, सॉरी डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा. तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ जंप और वेवलेंथ भी आप इसको बोल सकते हो. और क्या वेवलेंथ क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? वेवलेंथ इफ इट जंप फ्रॉम एन इक्वल टू एन टू एन इक्वल टू 1, तो ये जो फॉर्मूला होगा एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2. देखिए ये फॉर्मूला है, देखिए एन इक्वल टू 3 था और 1, 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 2 और 2 कैंसिल तो 3, 4 पुट करके देखो 4 से लेकर 1 तक कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ वो रिलीज करेगा? 4 इंटू 3 बाय 2 मतलब 12 बाय 2 6, 5 से 1 पे जाने के लिए कितनी वेवलेंथ रिलीज करेगा? 5 इंटू 4 20 बाय 2 मतलब 10. तो ये जो फॉर्मूला है बेटा ये नंबर ऑफ जंप्स या नंबर ऑफ वेवलेंथ बताता है कि कितनी पॉसिबल की वेवलेंथ है. इसका मतलब यहाँ पे लिमिटेड वेवलेंथ ही आपको मिलेगा, इट विल नॉट फॉर्म अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस फॉर्म में आया था? आपको डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आया था. आई बात समझे? यही नील बोर एक्सप्लेन किया था, यही चीज क्या किया था, नील बोर एक्सप्लेन कर दिया था. तो डोंट वरी, मैं इसको पॉइंट्स को भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपका आपको सारा क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है. सिंस देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ जंप्स, सिंस देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ जंप्स पॉसिबल फ्रॉम one orbit to another orbit, from one orbit to another orbit, या आप बोल सकते हो ऐसे कि from higher energy, better है higher energy लिखता हूँ मैं, from
हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू और लोअर एनर्जी ऑर्बिट सो देयर आर लिमिटेड वेवलेंथ ओनली एंड इंप्रेशन ऑब्टेंड विल बी डिसकंटिन्यूअस क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस नेचर का रहेगा, मतलब किस तरीके से, समझो बात को बेटा आपने। अब उसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं आपको। डिसकंटिन्यूअस नेचर का होगा मतलब एक्चुअली उसने ऑब्जर्व क्या किया कि जब उसने हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है, एनर्जी दिया उसने, यहां से उसको ब्लूइश बीम मिला, उसने क्या किया प्रिज्म से पास कराया उसको, और यहां पे उसको स्पेक्ट्रम मिला, यहां पे उसको इंप्रेशन मिला। उसने इंप्रेशन में क्या ऑब्जर्व किया, समझो बात को, उसने इंप्रेशन में ऐसा कुछ इस तरीके से पैटर्न ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर बंच ऑफ लाइन बन रही थी, कुछ कुछ साइड छोड़ के यहाँ पे इसको क्या मिल रहा था, बंच ऑफ लाइन मिला। इसको हम बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से उसको पैटर्न मिला ये, ठीक है। अब ये पैटर्न बना क्यों, इस चीज को भी इसने एक्सप्लेन किया, ऐसा बात नहीं कि इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो उसने देखा कि भैया अब सबके उसको वेवलेंथ पता थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कैलिब्रेटेड होता है। तो पीछे जब आप देखोगे तो इसको आप पता कर सकते हो कि कितने वेवलेंथ की ये स्पेक्ट्रम है। तो ये बंच ऑफ लाइन को हुई, मतलब इस बंच ऑफ लाइन को उसने क्या बोला, सीरीज का नाम दिया। हर एक बंच एक सीरीज में इंक्लूड होता है। अब देखो जो चीजें उसने बताई थी इसके ऊपर, वो तो नो डाउट प्रैक्टिकली नहीं था, वो एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड थी। क्या थी? प्रोबेबिलिटी बेस्ड। अब उसने बोला ये ऐसा फॉर्म क्यों हो रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप प्लीज कंटिन्यू इसको उतारते रहिएगा, ठीक है। जैसे याद करिए, ये था मेरा n इक्वल टू 1, जिसकी एनर्जी कितनी होती है -13.6। उसके बाद था n इक्वल टू 2, जिसकी एनर्जी होती है -3.4। ये क्या था? n इक्वल टू 3, जिसकी एनर्जी होती है -1.51। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूं मैं, n इक्वल टू 4, जिसकी एनर्जी होती है मेरी -0.85, n इक्वल टू 5, जिसकी एनर्जी होती है मेरी -0.54, n इक्वल टू 6 ...... ये मेरा हो गया n इक्वल टू इनफिनिट, जहां पे एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 0। क्योंकि याद करें फॉर्मूला क्या था, En बराबर -13.6 Z² / n² बराबर, तो n 1 / n² मतलब 1 / समथिंग 0 ऑलवेज इनफिनिटी होता है, ठीक है। अब उसने ये जो प्रोबेबिलिटी बेस बनाया था वो इस तरीके से था कि सपोज करो उसने कहा कि हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम होंगे जिनका इलेक्ट्रॉन मान लो इनफाइनाइट पे चला गया होगा, मतलब सॉरी पहले से फिर से समझा रहा हूं। उसने क्या किया कि भैया बहुत सारे हाइड्रोजन एटम में कुछ ऐसा ट्रांजिशन हुआ होगा कि हर ट्रांजिशन स्टार्टिंग पॉइंट उसका कुछ भी हो लेकिन उसका एंड पॉइंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हो सकता है हमें एक पैटर्न मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा। क्या मिलेगा? पैटर्न मिलेगा, सीरीज मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो उसका लास्ट ट्रांजिशन कहां होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए। तो ये जो पहला सीरीज, ये भी मुझे क्या मिल रहा है, बंच ऑफ लाइन मिल रहा है। और इस बंच ऑफ लाइन को उसने, मतलब अगर बंच ऑफ लाइन में मेरा जो लास्ट ट्रांजिशन हो n = 1 है, तो उस इस बंच ऑफ लाइन को
एक सीरीज का नाम दिया, ये सीरीज था लाइमन सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। डिटेल में मैं आपको और कल में बताऊंगा, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आपको यहीं तक आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। बंच ऑफ, इस बंच ऑफ लाइन को उसने क्या नाम दिया, लाइमन सीरीज नाम दिया। और ये लाइमन सीरीज ऑब्वियस से बात है, ये n इक्वल टू 1 पे आ रहा है। ये कहां आ रहा है बेटा, n इक्वल टू 1 पे आ रहा है। n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज करेगा कि उसकी वेवलेंथ होगी। तो ऐसा देखा गया कि उसकी जो वेवलेंथ थी वो अल्ट्रा वायलेट के वेवलेंथ के बराबर थी। तो मतलब ये जो सीरीज मुझे मिलेगा वो किस रीजन में मिलेगा, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा। मुझे कहां मिलेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा। यहां तक आपको प्यारे बच्चों समझ में आई। फिर उसने दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या लिखी, देखो ये जो स्पेक्ट्रम मिला, हो सकता है कि ऐसा कि सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो कि हर ट्रांजिशन स्टार्टिंग कहीं से भी हो, हर ट्रांजिशन स्टार्टिंग कहीं से भी हो लेकिन उसका एंड ट्रांजिशन कहां होगा, टू पे होगा। तो यहां पे भी उसको एक बंच ऑफ लाइन मिला, तो उसने इसको नाम दिया बाल्मर सीरीज। क्या नाम दिया बेटा प्यारे बच्चों, बाल्मर सीरीज का नाम दिया। बाल्मर सीरीज में क्या होता है बेटा, बाल्मर सीरीज ऑब्वियस बात है ये भी एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी रिलीज किया उसने, और यहां पे देखा गया ऐसा कि ये जो इसकी जो वेवलेंथ थी वो विजिबल रीजन के बराबर थी। कहां थी, विजिबल रीजन में थी, विजिबल रीजन में थी। मतलब सिर्फ बाल्मर सीरीज के ट्रांजिशन को छोड़ के हम कोई ट्रांजिशन नहीं देख सकते आई से, ठीक है। फिर उसने क्या प्रोबेबिलिटी दिखा कि हो सकता है कि अगर आपका, ये भी हो सकता है कि तीसरा प्रोबेबिलिटी कि वो इनफाइनाइट से 3 पे जाए, 6 से 3 पे जाए, 5 से 3 पे जाए, 4 से 3 पे जाए, अगेन ये बंच ऑफ लाइन मिलेगा। और अगेन इसने इस सीरीज का नाम दिया ब्रैकेट सीरीज, हां सॉरी ब्रैकेट सीरीज फास्ट चल, सॉरी n इक्वल टू 3 पे मेरा फास्ट चल सीरीज नाम दिया। और ये जो बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है इंफ्रा रेड रीजन में, बिलोंग करता है कहां, बिलोंग करता है इंफ्रा रेड रीजन। अब ऐसे ही उसने n इनफाइनाइट से 4 का नाम दिया, ठीक है बेटा। इस बंच ऑफ लाइन का उसने नाम दिया ब्रैकेट सीरीज। किस, क्या नाम दिया, ब्रैकेट सीरीज। इसको हम ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, ये भी इंफ्रा रेड रीजन में ही पाया जाता है। और अगेन वैसे ही 5 पे जब आएगा तो 5 वाले को हम बोलते हैं पी फंड सीरीज। क्या बोलते हैं, P फंड सीरीज। इसको मैं बोल देता हूं P फंड सीरीज। और अगेन ये भी कहां पाया जाता है, इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, इंफ्रारेड रीजन में। वैसे ही n इक्वल टू 6 की बात करो, लास्ट ये था कि n इक्वल टू 6 पे हम बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। क्या बोलते हैं, हम्फ्री सीरीज। और इसका जो रीजन होता है फार इंफ्रारेड रीजन होता है। क्या होता है, फार इंफ्रा रेड। क्या बोलते हैं इसको, फार इंफ्रा रेड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का तो हम यहीं तक करेंगे, कल को, कल होप्स आपको ये चीजें समझ में आए कि ये विड्थ बैंड जो थी, मतलब ये अपने आप में एक सीरीज को डिनोट करता है। और हर सीरीज को उसने एक नाम दिया जिसके एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, पर्टिकुलर रीजन से वो बिलोंग करता था। तो और बाकी चीजें डिस्कशन हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कल करेंगे।